के राया में कल्याण फाउंडेशन के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मथुरा के राया में कल्याण फाउंडेशन के तत्वाधान में सद्भावना ब्लड बैंक के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को रेतिया बाजार श्यामलाल मदनलाल अग्रवाल धर्मशाला पर आयोजित किया, जिसमें रक्तदाताओं ने 117 यूनिट रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल राया थाना SSI शिव कुमार शर्मा ने बिहारी जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शिविर में ब्लड डोनेट करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ती रही, जिसमें महिला पुरुष सहित 117 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में फाउंडेशन द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान अखिल अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष सजल गोयल, सचिन गौरव अग्रवाल, कोऑर्डिनेटर मनोज अग्रवाल, तनय अग्रवाल, ध्रुव अग्रवाल, भूपेश अग्रवाल, रमण बिहारी, श्याम मुकुल, कृष्णा सद्भावना ब्लड बैंक से संजीव सारस्वत, सुशील पाल, वीरेन गर्ग, ब्रजमोहन वर्मा, मोहित अशोक अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। फाउंडेशन द्वारा जो रक्तदाता शिविर कैंप लगाया, क्या कहेंगे इसको लेकर? राधे राधे साहब, आज का ये रक्तदान शिविर कल्याण फाउंडेशन में लगाया जा रहा है। ये कल्याण फाउंडेशन का पहला रक्तदान शिविर है और अभी तक हमारे रक्तदान शिविर में 20 से ऊपर यूनिट डोनेशन हो चुका है। आज के हमारे अतिथि हमारे गोपाल साहब रहे, राजकुमार हमारे चेयरमैन साहब, दोनों ने भी रक्तदान किया है और भी लोगों से रक्तदान अपील करते हैं हम, क्योंकि एक रक्तदान ही ऐसा जरिया है जो आपको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपका रक्त है ऐसा चीज़ है जो किसी मशीन वगैरह से नहीं बन सकता है, तो आपके डोनेशन से ही रक्तदान हो सकता है, किसी के लिए जरूरत पूरी हो सकती है। आप सभी लोग रक्तदान करें, यही हमारी अपील है, यही हमारा एजेंडा है, यही हमारी मुहिम है। आज के हमारे रक्तदान का टारगेट है कम से कम 100 यूनिट और हमें लग रहा है कि हम बहुत जल्दी ये टारगेट कम्प्लीट कर लेंगे। धन्यवाद। मथुरा